इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो के टॉप लेयर टू टोकन्स कौन से हैं, वो हम जानेंगे क्योंकि लेयर टू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और पिछले सीजन में भी इसमें से मैटिक ने बहुत ही अच्छा पैसा बना के दिया था। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। और पहले ही डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद का रिसर्च जरूर कर लीजिएगा क्योंकि क्रिप्टो एक बहुत ही हाईली रिस्की एसेट क्लास है जिसमें आपको सोच विचार करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि आप खुद ही अपना आपका अपना पैसा लगने वाला है। तो किसी से सुन के या किसी को देख के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एजुकेशनल वीडियो। पहले नंबर पे है हमारा मैटिक। तो मैटिक बहुत ही बढ़िया कॉइन है, पॉलीवर मैटिक बहुत ही बढ़िया कॉइन है और पिछले सीजन में इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस सीजन में भी ये बहुत ही अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकता है। दूसरे नंबर पे आता है इम्यूटेबल एक्स यानी IMX। तो ये भी नया कॉइन है, नया यानी पहला सीजन ये देखने वाला है और ये भी बहुत ही अच्छा कॉइन होने वाला है। ये भी आगे चल के और इस सीजन में बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है क्योंकि इसके यूज केसेस बहुत ही अच्छे हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है ऑप्टिमिज्म, ये भी नया कॉइन लिस्ट हुआ है, पहला सीजन ये भी देखने वाला है तो ये भी आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है और इसके भी यूज केसेस बहुत ही अच्छा है और बाकी इसके अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद नंबर आता है मेंटल का। तो मेंटल भी बहुत ही अच्छा कॉइन है लेयर टू के प्रोजेक्ट में और ये भी आपको इस सीजन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद नंबर आता है आर्बिट्रम का। तो आर्बिट्रम भी ये नया लिस्ट हुआ है, पहला सीजन ये भी देखने वाला है और आर्बिट्रम भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यानी कि सारे के सारे मैंने पांचों आपको यहाँ पे कॉइन बताया कि सारे के सारे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें से कोई होगा कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, कोई होगा कि मीडियोकर रिटर्न देगा और कोई होगा कि डाउन परफॉर्म भी कर सकता है जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। वहीं अगर आगे चल के हम देखते हैं तो अगला आता है मैंटा नेटवर्क का, जिसपे मैं बुलिश हूँ उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और भी बारे बहुत सारे क्वाइंस हैं लेकिन आप खुद का रिसर्च कर लेना। उसके बाद नंबर आता है माइडिया का। LRC भी बढ़िया क्वाइन है और माइडिया माइडिया गेमिंग में भी होता है, गेमिंग में मैं इसको देखता हूँ लेकिन लेयर टू में भी है तो इसको हम गेमिंग में ही काउंट करते हैं। तो माइडिया भी एक अच्छा क्वाइन है जो लेयर टू में भी आता है तो और भी एक पॉजिटिव हो जाता है कि ये गेमिंग के सेक्टर में भी आता है और लेयर टू के सेक्टर में भी आता है। तो ये कुछ क्वाइन थे जो लेयर टू के टॉप कॉइन्स थे और आपको खुद का रिसर्च करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले। लेकिन हाँ, ये जो सारे के सारे लेयर टू के कॉइन्स हैं अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं इस आने वाले बुल सीजन में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए। और आपको किसी पर्टिकुलर कॉइन पे एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।